जशन सबका मगर एक जशन जियो 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 अलग टीम अलग टशन सबका मगर एक जशन नमस्कार दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो हमारा पल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा जियो का जियो फोन 3 मोबाइल मार्केट के अंदर आएगा, कब हम उसको बुक करेंगे और कब हम भी जियो फोन 3 5G मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, यानी कि जियो ने एक नया ही मॉडल लॉन्चिंग की बिल्कुल तैयारी कर ली है, जियो फोन 3। जी हाँ दोस्तों, उसकी एडवांस बुकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आप भी अपने जियो फोन 3 5G मोबाइल की एडवांस बुकिंग कर आप भी अपना बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर कंफर्म कर सकते हो और जियो फोन 3 आप मात्र 1500 रुपये में इजीली प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी की पूरी खबर और किस प्रकार से आप अपने जियो फोन 3 5G मोबाइल की बुकिंग करोगे, किस प्रकार से आपको बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने वाला है और कहाँ से आपको जियो फोन 3 की प्राप्ति होने वाली है, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो के ऊपर बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर बने रहिए ताकि आप भी अपने जियो फोन 3 5G मोबाइल की बुकिंग कर सकें और आप भी अपना बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अलग टीम अलग टशन सबका मगर एक जशन। देखिए दोस्तों, सभी लोगों को इंतजार था कि कब हमारा जियो का नया मॉडल जियो फोन 3 हमारा लॉन्च किया जाए, कब हमारे भारत के अंदर पहला 5G मोबाइल जियो का 5G मोबाइल कब हमारा लॉन्च किया जाए और कब हम उसको बुक कर कैसे हम उसको प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जियो ने नए मॉडल लॉन्चिंग की तैयारी कर ली है जियो फोन 3 के रूप में और जियो फोन 3 हमारा एक 5G मोबाइल रहने वाला है जिसके अंदर हमें 6GB रैम और 128GB रोम हमें देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं कैमरा क्वालिटी के ऊपर, तो जियो फोन 3 के अंदर कैमरा क्वालिटी भी काफी दमदार हमें देखने को मिलने वाला है। 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा उसके अंदर रखा गया और अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, जिसका ये मान लीजिए इंडिया के अंदर काफी ज्यादा क्रेज है, यानी कि अगर कोई भी नया स्मार्ट मोबाइल अगर हम खरीदते हैं तो उससे पहले हम सबसे पहली चीज उसके अंदर यही देखते हैं कि उसके अंदर सेल्फी कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल का है। तो हम सभी की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा है जियो फोन 3 और जियो फोन 3 के अंदर हमें सेल्फी कैमरा जो प्राप्त हो रहा है वो 32 मेगापिक्सल विथ LED फ्लैश लाइट के साथ हमें दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जियो फोन 3 के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा में मिलेगा जो LED फ्लैश लाइट के साथ हमें दिया जा रहा है। साथ ही साथ बैटरी सेक्शन के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं, काफी दमदार बैटरी उसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। लियोन की बैटरी का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है जिसकी कैपेसिटी हमारी रखी गई है 4000 mAh, यानी कि 4000 mAh की लियोन की बैटरी का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारी इनबिल्ट रहने वाली है, जिसको यूजर इजीली रिमूव नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो क्विक चार्जेबल भी हमारी रहने वाली है। ये तो हो गए हमारे जियो फोन 3 के कुछ फीचर्स जो हमें प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जियो फोन 3 को वाकई में हम किस प्रकार से बुक कर सकते हैं और किस प्रकार से बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर हम जियो फोन 3 की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जियो फोन 3 बुक करने के लिए आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शॉप पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जियो फोन 3 बुक करने के लिए आपको जाना होगा माई जियो ऐप के पुराने वर्जन के अंदर। जैसे आप माई जियो ऐप के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको जियो फोन 3 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कॉर्नर के अंदर। उस नोटिफिकेशन के ऊपर जाकर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जियो फोन 3 का। जी हाँ दोस्तों, आपको उस फॉर्म को सारा का सारा फिल करना है, आपका नाम,
एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आपका अपना एरिया का पिन कोड नंबर। जैसे आप अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिल कर दोगे तो नीचे जो सबमिट बटन है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, उसके ऊपर जाकर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी जियो के पास और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा 11 संख्या का बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको वो बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लेना है या फिर आपको उसकी फोटो कैप्चर कर लेनी है। वही बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जियो फोन 3 दिलाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो जियो फोन 3 का रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको जियो फोन 3 की प्राप्ति होने वाली है। वो जियो फोन 3 का रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आपको जियो के किसी भी नियरेस्ट ऑफिस में जाना है और वहां से आपको जियो फोन 3 की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं जियो फोन 3 की कीमत हमसे कितनी ली जाएगी, कितने पैसे हमें जियो फोन 3 के देने होंगे। तो आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि घर घर 5G मोबाइल पहुंचाने की योजना के तहत, भारत सरकार की 5G योजना के तहत भारत को डिजिटल बनाने के लिए हमारे जियो फोन 3 की कीमत को कम कर हमारा रखा गया है, ताकि वो सभी लोगों के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल हो और सभी लोग जियो फोन 3 का इस्तेमाल कर सके। इसलिए उसकी कीमत को बिल्कुल सभी को ध्यान में रखते हुए 1499 रुपये रखा गया है, यानी कि मात्र 1500 रुपये में आप अपने जियो फोन 3 की प्राप्ति कर सकते हो। और आप भी अपने जियो फोन 3 का बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर आप अपने जियो फोन 3 5G मोबाइल की प्राप्ति कर सकते हो। आपको अगर जियो फोन 3 बुकिंग में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है या फिर जियो फोन 3 का बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख डालिए, ताकि हम आपकी मदद कर सके, आपकी हेल्प कर सके और आप भी अपने जियो फोन 3 को बुक कर अपना बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सके। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसे आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।